घर के आसपास पेड़ पौधे का होना वातावरण को शुद्ध बनाने के साथ ही हमारे घरों की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। साथ ही वास्तु शास्त्र में भी पेड़ पौधों को खास महत्व दिया गया है। इनमें से कुछ पौधे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें लगाने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा ही एक पौधा है मयूर शिखा का पौधा। ये पौधा मोर की शिखा जैसा दिखता है, इसीलिए इसे मयूर शिखा कहा जाता है। इस पौधे को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाली में इसे लाल मोरग या मोरग फूल कहते हैं, तो वही तेलुगु में मायर शिपा और ओडिया में मयूर चूड़िया कहा जाता है। यह पौधे दो या तीन प्रकार के होते हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एक्टिनप्टेरी डेसी है और अंग्रेजी में इसे पिकॉक्स टेल कहा जाता है। ये पौधा मुर्गे की कलगी की तरह भी दिखाई देता है। ये पौधा आपको आसानी से मिल सकता है। आज हम आपको बताएंगे घर में मयूर शिखा के पौधे को लगाने के चमत्कारी लाभों के बारे में। मयूर शिखा का पौधा देखने में बहुत सुंदर होता है। इसे आप अपने घर के अंदर या बगीचे में लगा सकते हैं। इस पौधे से आपके घर और गार्डन की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार मयूर शिखा के पौधे को वास्तु दोष निवारण में बहुत लाभदायक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मयूर शिखा का पौधा लगाने से घर के अंदर नकारात्मकता खत्म हो जाती है। मयूर शिखा के पौधे को पितृ दोष निवारण में भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से पितृ दोष समाप्त होता है। इस पौधे को दुष्ट आत्मा नाशक भी कहते हैं, अर्थात यह घर में बुरी आत्माओं का प्रवेश रोकता है। आयुर्वेद में भी मयूर शिखा के पौधे को बहुत महत्वपूर्ण और गुणकारी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसकी पत्तियों और फूल को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मयूर शिखा के पौधे को शाय, अमल, शीत, लघु, कफ पित्त शामक, ज्वरघन तथा पकवातिसार शामक, मधुमेह रोधी आदि में लाभदायक माना जाता है। जिस घर में लोगों को किसी बीमारी ने पकड़ रखा हो या कोई सदस्य मानसिक तनाव से ग्रसित हो, उन्हें अपने जीवन की इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस पौधे को घर में रखना चाहिए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।